सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांत वसीम। तो आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है वेडनेसडे को, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं, एक दिन बहुत नीचे चले जाते हैं, एक दिन बहुत अपसाइड दिखा देते हैं, तो क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चल क्या रहा है? क्या वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ रही है आरबीआई की पॉलिसी की वजह से, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाली है? क्या हॉकिश न्यूज़ आ सकती है? वो आज सारी बात हम करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी चार्ट स्ट्रक्चर में कैसा लग रहा है। तो आप सब जानते ही होंगे कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहता था जिसमें मैं आपको बताता था कि आपको कल मार्केट में क्या परचेज और सेल करके चलना है। तो वही अब मैं पेड सर्विस के थ्रू ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का अप टू डेट देते रहूँगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या रेंज बन सकती है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, या मेरे से चाहते हैं कि आप मैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगा। आप मुझे इस कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर बताइए कि आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए जो आपके मदद कर सके। तो हम बढ़ते हैं कि चार्ट्स की तरफ, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ निफ्टी के चार्ट में मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मूविंग एवरेजेस का ही यूज़ करा हुआ है। तो आपको मैं एक पहले चीज़ दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी और आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, ये दो लाइन है जो हमारा एक रेंज का काम कर रही थी। अगर हम रेंज की बात करें कि ये इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को इसने क्रॉस करा, हमने अपसाइड की मूव आ गई। और उसके बाद जब इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को इसने कंप्लीट करा, तो हमने डाउन साइड ट्रेंड देखा। अगर हम बड़े हेड एंड शोल्डर की बात करें, तो ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया। तो अब मैंने जो आपको पिछली बहुत सी वीडियो जो मैंने आपके लिए निफ्टी में बनाई हुई है, उस पर भी मैंने आपको कहा था अगर इस लाइन को क्रॉस करेगी तो हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। तो ये जो लेवल था वो था 10,400 का, जब मैंने बोला था कि इस लाइन के ऊपर निकले तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है निफ्टी में। और वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पर 10,800 तक के लेवल्स बनते हुए देख लिए निफ्टी के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी एक रेंज में रह गई है, इस वाली रेंज में। तो ये रेंज हमने कैसे बनाई, हम अंदाजे से नहीं बना सकते। ये रेंज हमें बनाई है ऐसे, हम आपको दिखाते हैं इस रेंज में आपको कैसे शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लाइन शो कर रही होगी जो जिस ये कैंडल शो कर रही है, जो ये कैंडल पूरी रेंज को कवर कर रही है। ये जो कैंडल बनी है डेली के अंदर, इसने पूरी रेंज को कवर कर रखा है और ये एक लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप कैंडल बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेंज है, जिस रेंज के ऊपर या नीचे वो बढ़ना शुरू होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम कह सकते हैं कि हम और ऊपर तक की अपसाइड की मूव्स कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टॉप बनाता है, उसके बाद से हमें गिरावट आने में देखने को मिल जाती है। इस लाइन के आसपास ये अपना हाई बनाता है, थोड़े दिन सस्टेन करता है, उसके ऊपर नहीं जा पाता, वहाँ से हमें गिरावट सस्टेनेबल आते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसने अपना डबल बॉटम बनाया था, इस लाइन पे ही बनाया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसी के बाद यहाँ से इसने बढ़ना शुरू करा था। अगर आप इस दो पॉइंट को और इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी ही है। तो ये है कि अगर आप ट्रेंड लाइन्स को ही बनाएंगे तो भी आप निफ्टी का 50 का या आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमें बाइंग पोजीशन या सेल पोजीशन मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है। ज़्यादातर इंडिकेटर्स बेनिफिट देना दे, पर ट्रेड लाइन हमें ज़रूर बेनिफिट देती है। पर अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से इसने गिरावट दिखाई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस इसने लेवल पर जाके अपना सपोर्ट लिया है। तो अगर हम लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसे इसने सपोर्ट लेकर काम करा है। कि अगर हम बात करें तो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल, 15% का रिट्रेसमेंट लेवल पे इसने अपनी आज सपोर्ट बनाया है। और इसका जो लो था आप देख सकते हैं, ये 13 MA की लेवल है और ये 5 MA की है। जिस तरीके से इसने इसे क्रॉस करा, हम कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब आपका सपोर्ट कहाँ बनता है और रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? तो आपका सपोर्ट बनता है और आपका रेजिस्टेंस बनता है, पहला आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10,580 का, जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो नेक्स्ट आपके लिए होगा वो आपका होगा 10,500।
10,500 तो जा सकता है, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो 10,400 तक भी जा सकता है। पर अगर ये 10,400 के लेवल को, वरना इस लाइन को क्रॉस करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड हमें 10,000 तक भी लेकर जा सकती है। और अगर 9,950 का लेवल ब्रीच होता है, तो हम कह सकते हैं एक, और अगर उसे तोड़ता है तो एक पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न वापस कंप्लीट होगा, और जो उसके लेवल्स होंगे वो 9,000 के होंगे। तो ये पूरी चीज़ें हैं, तो मैं आपके लिए कल एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी लेकर आने वाला हूँ। सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं, बट मैं जो पेड सर्विस वाले हैं उनके लिए मैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूँ, जो लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेस के अंदर ही और शॉर्ट टर्म में आपको इंडेक्सेस के अंदर ही बहुत अच्छी कमाई करा के दे देंगे। तो अब इसका अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो ये 10,600 का 12 का जो लेवल है वो 10,628 पे आज इसने क्लोजिंग दिया, अगर हम कैश की बात करते हैं। तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 10,000, इसका सपोर्ट जो बन रहा है हमें कल मार्केट में देखना होगा। अगर ये 10,620 के नीचे खुलता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमारा 10,640 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और डाउन ट्रेंड्स में आपको जो रेजिस्टेंस और या आपको टारगेट्स मिल रहे हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहला लेवल होगा, जो कि 10,470 का। अब बढ़ते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसने 24, अगर हम इसका लेवल देखें तो इसने 26,250 का लेवल बनाया है। तो 26,250 का लेवल जिस तरीके से इसने बनाया है, अगर हम इसके लो की बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं इसने भी 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है। तो दोनों ने 30 एक्सपोनेंशियल में सपोर्ट लिया है, और इसका अब जो सपोर्ट बन सकता है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कि जिसके ऊपर ही वो शायद ना निकल पाए, वो करेगा 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि है 26,470 का। तो 26,470 ऊपर के लेवल्स में, और डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 26,070 तक ही जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि 250 पॉइंट्स ऊपर और 250 पॉइंट्स नीचे तक की हमें डाउन साइड देखने को मिलती है। और अगर जिस तरीके से अगर ये इस पैटर्न को क्रॉस करता है, और अगर 50% के रिट्रेसमेंट के नीचे अगर ये ट्रेड करके क्लोजिंग देता है 2 दिन तक, तो हमारा जो लेवल होगा वो 25,600 या 25,400 तक का हो सकता है। तो वो सारी अपडेट मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ, और वो भी सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पता आई होगी, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन से समझाया, जो आपको हेड एंड शोल्डर से समझाया, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक खास बात और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का अपना लिंक दूंगा, उस इंस्टाग्राम के अंदर आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है, मतलब आप जो स्टॉक मार्केट से करना चाहते हैं, जो आपको कोर्सेज चाहिए, जो आप ड्रीम कोर्सेज, आप जो चाहते हैं कि हाँ मुझे ये कोर्स चाहिए, तो वो सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको उस इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में अपडेट होगी। तो उसको भी आप देख सकते हैं कौन सी सर्विसेज में प्रोवाइड कराता हूँ, क्या क्या पूरा इंफ्राडे गाइड का बैकग्राउंड है, वो सब आपको मिलेगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो उसमें जाके आप एक बार क्लिक करके मेरे उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको मैं अपडेट टू अपडेट हर दिन आपको स्ट्रैटेजीज बताते रहूँगा, हर दिन के अंदर आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजीज पती लगती रहेगी। और जो भी मेरे क्लाइंट्स, मैं जिनको भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन देता हूँ मार्केट आर्ट्स में या मार्केट से पहले, वो भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसमें खुद शेयर करूंगा, कि आप पता लगा सके कि जो मैं भी लोगों को दे रहा हूँ उससे प्रॉफिट उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाइए और एक बार मेरे उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, उसमें मैं अपनी अपडेट्स डालना शुरू कर रहा हूँ आज से। तो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आरबीआई की पॉलिसी जो है बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि वो हॉकिश न्यूज़ आ सकती है, जैसे कि आरबीआई ने पहले ही अपनी पॉलिसी में बता दिया था कि वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने वाली है, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं हमारी मार्केट, वो उससे पचा चुकी है। तो अब हमें देखना है कि उसकी न्यूज़ जो वो स्पीच देंगे वो कैसी आ सकती है। हॉकिश आती है तो शायद हमारी मार्केट एक वापस गिरावट दिखा सकती है या नीचे जा सकती है। तो पूरी हमें अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के दिन और अगले दिन ऐसी कमाई हो सकती है कि हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि इस 2 दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ सारी न्यूज़ शेयर करते रहेंगे। तो मैं शिवांश भसीन इंट्राडे गाइड से मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।